हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। साथियों, बिहार नमन जीएस के द्वारा 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अभी तक 3 टेस्ट का आयोजन करवाया जा चुका है। जो 3 टेस्ट हुए हैं वो क्रमशः 7 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2022 को 12 बजे से 3 PM के बीच में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। अब क्या है कि 3 टेस्ट तो हमने करवा दिया, बच्चों की मैक्सिमम कॉपी जो है वो इवेलुएट करके भी बच्चों को हमने दे दिया है। अब बारी है इस टेस्ट में पूछे गए प्रश्नों का डिटेल में डिस्कशन करवाने का। डिटेल में डिस्कशन हमने यह शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि जो भी टॉपिक से हमने प्रश्न पूछा है या बिहार नमन जीएस के द्वारा टेस्ट सीरीज में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे किसी भी सेक्शन के हो या फिर चाहे वो हिस्ट्री के हो, करेंट अफेयर्स या IR के हो, पॉलिटी के हो, इंडियन इकोनॉमी या ज्योग्राफी के हो या साइंस टेक्नोलॉजी के हो, अभी हम DI का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, उसको हम 1 महीने बाद लेंगे। तो जो अभी 5 सेक्शन के जो टेस्ट सीरीज हुए हैं, इन 5ों सेक्शन के टेस्ट सीरीज में अभी तक हम लोगों ने बच्चों से लगभग 15 विभिन्न प्रकार के प्रश्न, और उसको आप मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन में 2-2 प्रश्न होते हैं, तो 30 प्रश्नों का हमने अभी केवल 3 दिनों में 7, 11 और 15 अक्टूबर को बच्चों से टेस्ट लिया है। अभी क्या है कि आज 3 बजे से हम उन्हीं प्रश्नों का टेस्ट संख्या 1, टेस्ट संख्या 2 का हम आज डिस्कशन करवाएंगे, क्योंकि डिस्कशन काफ़ी लंबा हो जाता है, 4-5 घंटे का हो जाता है, तो संभव नहीं होगा हमारे लिए भी कि हम तीनों टेस्ट के डिस्कशन को एक ही समय में करवाएं, लेकिन 2 टेस्ट के डिस्कशन को हम करवा सकते हैं। तो आज 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक जब तक समय वो डिस्कशन चले, हम पेपर टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का डिटेल में डिस्कशन करवाएंगे। यह डिस्कशन सभी बच्चों के लिए फ्री है। हमने फ्री क्यों रखा है, उसके पीछे कारण है कि जो भी टेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे के सारे टेस्ट के क्वेश्चन BPSC के मेंस के सिलेबस का टॉपिक है। तो यदि अगर आप टेस्ट से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको डिस्कशन के रूप में BPSC के सिलेबस में जो मेंस का सिलेबस है उसका डिटेल में डिस्कशन मिल जा रहा है। और सबसे बड़ी बात का इसको डिस्कशन के साथ साथ में आपके पूरे टॉपिक का होलिस्टिक रूप से रिविजन हो जाता है। अभी जो 3 टेस्ट हम लोगों ने लिया है, उन 3 टेस्ट के क्वेश्चंस अभी ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, और कुछ बच्चों को जो यूट्यूब पे हैं उनको देखने के लिए अभी हम यूट्यूब पे भी उन क्वेश्चंस को अपलोड कर रहे हैं, बोल के उसको हम बताएंगे क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कैसे आपको लिखना है। तो आप यूट्यूब वाले बच्चे भी हैं, इन क्वेश्चंस को आप देखें, और शाम को 3 बजे से जो डिस्कशन क्लासेस होंगे उसका वो डिस्कशन ऑनलाइन ही होगा, गूगल मीट पे होगा, उस डिस्कशन का लिंक हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमारे डिस्कशन क्लास से जुड़ सकते हैं। और इस डिस्कशन के क्रम में आपके पास जो भी डाउट्स हैं उस डाउट्स को हमसे आप पूछ सकते हैं, जो भी सेक्शन में डाउट हो आप हमसे पूछिए, उसका रिप्लाई टीचर देंगे। तो आप लोग उस डिस्कशन में आएँ और क्वेश्चन के पैमानों को देखें कि डिस्कशन कैसे होता है। अब यहाँ एक डाउट होता है आप लोगों को कि बहुत सारे बच्चों ने हमारे यहाँ इसलिए एडमिशन नहीं लिया, या शायद हमने भी एडमिशन नहीं लिया उनको, कि उनका जिद था कि सर हमें मॉडल आंसर दीजिए। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, ये कमीशन का पेपर है। BPSC अभी पिछले 3-4 वर्षों में जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, क्या आपको लगता है कि मॉडल आंसर हम आपको दे देंगे 3-4 पेज का छाप करके कहीं से कॉपी पेस्ट करके या लिख के ही, तो उससे आप उत्तर लिख पाएंगे BPSC में? इसमें कदापि नहीं लिख पाएंगे आप। यदि गलती से लिख भी लिए तो आपको रैंक बेहतर नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने दिमाग में क्वेश्चन के डिमांड के अनुरूप समझने का प्रयास नहीं करेंगे, क्वेश्चन को आप नहीं समझेंगे बेहतर तरीके से, तो आप उस क्वेश्चन के जवाब को जो BPSC घुमा के क्वेश्चन पूछता है, BPSC डायनेमिक फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये किसी भी मॉडल आंसर के लिए लागू होता है। तो आप लोग मॉडल आंसर के पीछे ना भागे, यदि संभव हो तो वैसे टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें जहां पे आपके कॉपी का इवेल्युएशन होता हो और उसको टेस्ट का डिस्कशन बहुत ही बेहतर तरीके से और ऑनेस्टली पूर्वक करवाया जाता हो। तो इसीलिए हम लोग मॉडल आंसर नहीं देते हैं, हम लोग डिस्कशन करवाते हैं ताकि आपको टॉपिक का रिविजन भी हो जाएगा और आपके आपकी समझ भी डेवलप हो पाएगी, जिस समझ के माध्यम से आप अपने आंसर को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए पहले आज हम अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम 3 बजे के बाद इसका डिस्कशन देखेंगे कि इन क्वेश्चंस का डिस्कशन क्या है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो साथियों, ये हमारा आज का ये हमारा पहला टेस्ट है। आप देखेंगे कि यहाँ पे टेस्ट नंबर 1 लिखा है, पहला टेस्ट हमारा था जो 67वीं BPSC मेंस के लिए, और ये टेस्ट CDPO AA और ऑडिटर मेंस के लिए भी समान रूप से उपयोगी है।
अब देखेंगे क्या इसमें पेपर वन और पेपर टू दोनों के प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल हमने आपको 2 घंटे का समय दिया है और इस 2 घंटे में 188 नंबर के प्रश्न पूछे। देखेंगे कि इस पेपर वन और पेपर टू में पेपर वन के 2 प्रश्न शामिल है और पेपर टू के 3 प्रश्न शामिल है, यानी हम एक ही पेपर में दोनों पेपर के प्रश्न आपको शामिल करके पूछा जा रहा है ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल समान रूप से समान गति से हो, है ना, क्योंकि दोनों पेपर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे गए हुए हैं, उस इंस्ट्रक्शन को एज ए कैंडिडेट आपको केयरफुली पढ़ाई पढ़ना है। ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन है, ये हिंदी में इंस्ट्रक्शन है। अब देखेंगे क्या कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले हम आते हैं पेपर वन से, हमारे पास में क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं। देखिए, एज ए पेंटिंग पटना कलम एंड मिथिला पेंटिंग हैव देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी चित्रकला के रूप में पटना कलम और मिथिला पेंटिंग की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। बिल्कुल सही बात है, विशेषताएं हैं। उसके बाद कहता है कि डिस्क्राइब देव, यानी हमको इसका उल्लेख करना है। सो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दियर डिफरेंसेज दैट यू वांट टू डिस्कस, यानी इनका उल्लेख करते हुए इनकी भिन्नताओं के उस दृष्टिकोण को दर्शाइए जिसे आप बताना चाहते हैं। अब देखिए क्या इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले चित्रकला में पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हमको लिखना है। जो भी आपने पढ़ा है नोट से बुक से उस विशेषताओं को हम लिख देंगे। उसके बाद क्या है कि इनका उल्लेख, विशेषता को उल्लेख हमने कर दिया, अब इनकी भिन्नताओं के उस दृष्टिकोण को दर्शाइए, यानी जो भिन्नता किन किन स्तर पर इनमें भिन्नताएं पाई जाती है। तो कुछ सामान्य विशेषताएं भिन्नताएं हैं, देखो जैसे कि पटना कलम में क्या है, पुरुष प्रधान चित्रकारिता है। मिथिला पेंटिंग में क्या है, सामान्यतः महिला प्रधान चित्रकारिता है। पटना कलम का विकास क्या हुआ है, गंगा के दक्षिणी भागों में हुआ है और मिथिला का उत्तर, ये गंगा के उत्तरी भागों में हुआ। और मिथिला पेंटिंग का जो प्रसार है वो पूरे के पूरे मिथिलांचल और कोशी क्षेत्र में है, जबकि पटना कलम का विकास या पटना पेंटिंग का विकास एक सीमित एरिया में ही हुआ है। ये कुछ ऐसे दृष्टिकोण हैं, ऐसे कुछ भिन्नताएं हैं जिनको हम चर्चा की है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं जिसे आपको इस उत्तर में लिखना हो, जिसे आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना था, है ना। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। सेकेंड प्रश्न कहता है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से भारत कितना डिजिटल हुआ। आप देखेंगे कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार का, खास करके मोदी सरकार का। तो उसके विषय में कहा गया है कि जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके माध्यम से हमारा भारत अभी तक कितना डिजिटल हुआ है। आपको इसके विषय में ऐसे उत्तर लिखने हैं जो जिसके पक्ष में आप तो आपको इसी प्रश्न का जवाब देना है कि हमारा भारत डिजिटल कितना हुआ है। उसमें आगे कह रहा है कि बिहार में इसकी उपलब्धियों को बताइए, यानी बिहार में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का क्या क्या लाभ पहुंचा है। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि बिहार में डिजिटलीकरण कितना हुआ। आप देखेंगे ना कि जितना भी काम आजकल बिहार में हो रहा है, चाहे प्रशासन स्तर से लेकर के राजनीतिक स्तर तक, सारा का सारा कैसा हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। तो इसी को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ इंडिया बिकम डिजिटल थ्रू द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डिस्कस इट्स अचीवमेंट्स इन बिहार। वही क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन हो गए। सेकेंड पेपर के क्वेश्चन को देखते हैं तो उसमें तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित भारतीय राज्य की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए तथा इसके महत्व को बताइए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो संभावना है कि इस बार पूछेगा। क्वेश्चन कहता है कि एनालाइज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। हमें केवल प्रस्तावना में एक वर्ड दिया गया है भारतीय राज्य की प्रकृति, तो हमारा भारत राज्य हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान क्या है, हमारा राज्य है। इस राज्य की प्रकृति क्या है, क्या हमारा भारतीय राज्य लोकतंत्रात्मक है, क्या हमारा भारत राज्य गणतंत्रात्मक है, क्या हमारा भारत राज्य स्वतंत्र संप्रभु प्रभु सत्ता संपन्न है, क्या हमारा भारत राज्य आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय दिलाने में सक्षम हो पाया है। इन्हीं सब प्रकृतियों को जो आपने पढ़ा है उसी को लिखना है, है ना। और इसका महत्व, यानी प्रस्तावना का क्या महत्व है। दो प्रश्न हो गए, प्रस्तावना में भारतीय राज्य की प्रकृति कैसे वर्णित है उसकी चर्चा करना है, दूसरा प्रश्न हमारा होता है प्रस्तावना के क्या इंपॉर्टेंस है उसको दर्शाना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग बहुत अच्छे से लिखे होंगे। चौथा प्रश्न हमारा है कि बिहार के भौतिक वर्गीकरण को समझाइए एवं इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। एक्सप्लेन द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बिहार एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। काफी सुंदर क्वेश्चन है कि हमारा ये बिहार है, इस बिहार को हमको क्या करना है, थोड़ा सा इस मैप में दिक्कत होता है बनाने में,
इस बिहार का जो फिजिकल फिजियोग्राफी है उस फिजियोग्राफी को हमको बताना। जैसे देखते हैं ना कि उत्तर में पर्वतमाला, दक्षिण ये मध्यवर्ती पूरा विशाल गंगा का मैदान, दक्षिण का पठारी भाग, इन्हीं तीन विशेषताओं को वर्गीकृत करके हमको डिस्क्राइब करना है और उसको उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे पांचवा प्रश्न हम और लास्ट प्रश्न हमारा है कि विभिन्न क्षेत्रों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड्स। इसका ये इसको समझिए क्या है कि डिफरेंस क्षेत्र में जो आईसीटी का क्या रोल होता है। आईसीटी का देखिए एजुकेशन में क्या रोल होगा हमारा, हेल्थ में क्या रोल होगा, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, इन्हीं हमारे विभिन्न सेक्टर्स में या विभिन्न एरियाज में जो आईसीटी की भूमिका होती है, क्या रोल है, उसी को हमको लिखना था। ये था हमारा पेपर फर्स्ट का। उम्मीद है कि काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगा होगा। अब हम देखते हैं पेपर टेस्ट नंबर दो को। अभी हमारे पास पेपर टू आ गए हैं। यह भी पेपर टू है। यहाँ देख सकते हैं जो जिस पेपर के लिए पेपर हुआ है उसका नाम लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन है, पढ़ेंगे, सेम है। अब देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। यहाँ देखिए कि पाल कला और मौर्य कला की महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताते हुए नोट लिखिए। हमारे पास एक ही प्रश्न में दो प्रश्न है कि पहला हमारा कहता है पाल कला और दूसरा कहता है मौर्य कला। इन पाल कला और मौर्य कला की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हमको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, उस पर नोट लिखना है। बेसिकली नोट का मतलब हुआ कि जो भी आप अच्छा बुरा जानते हैं पाल कला और मौर्य कला के विषय में, उसी के विषय में आपको उत्तर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, आयर का है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की चर्चा कीजिए, इसे सुधारात्मक कानून क्यों कहा जा रहा है बताइए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का चर्चा करना, यह काफी महत्वपूर्ण रहा है और अभी पिछले 1-2 सालों में यह न्यूज में भी रहा है, इसीलिए इस प्रश्न को पूछा गया है। अब क्या है कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा यानी गृह मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार का, उसके द्वारा इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को सुधारात्मक कानून कहा जा रहा है, तो क्यों कहा जा रहा है हमसे यही प्रश्न पूछना है, बताना है उनको। प्रश्न संख्या अब पेपर क्या देखते हैं, पेपर टू के प्रश्न संख्या तीन को देखते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न है कि संविधान में उल्लेखित प्रमुख मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। काफी बेसिक सा प्रश्न है, आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा कि हमारे भारतीय संविधान में जितने भी प्रकार के मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार का क्या करना है, यहाँ पर व्याख्या करना है। चौथा प्रश्न हमारा कहता है कि बिहार की कृषिगत समस्या और समाधान का उल्लेख करें, बिहार को क्यों दूसरी हरित क्रांति की जन्मभूमि कहा जा रहा है बताइए, समझाइए। डिस्क्राइब द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इन एंड सॉल्यूशन ऑफ बिहार, व्हाई बिहार इज गोइंग टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्सप्लेन। यहाँ देखेंगे कि बिहार में कृषि की क्या क्या समस्या है, बिहार में सिंचाई की क्या समस्या है, बिहार में भूमि संबंधी क्या समस्या है, बिहार में विभिन्न समस्या संबंधी क्या समस्या है, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सारे एस्पेक्ट्स को आपके इस उत्तर प्रश्न के उत्तर में लिखना है और साथ में उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है उस समाधान के बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है। आगे और प्रश्न है कि बिहार को दूसरी हरित क्रांति क्यों कहा जा रहा है। अब देखेंगे कि जब रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति थे तब वो भारत आए थे तो उन्होंने कहा था 7 निश्चय योजना पार्ट टू के इनोग्रेशन के समय में कि बिहार की भूमि में इतना शक्ति है कि यह द्वितीय हरित क्रांति को जन्म दे सकता है, उन्हीं का स्टेटमेंट था बेसिकली, तो उसी से यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपको यह बताना है कि बिहार में दूसरी हरित क्रांति कैसे संभव है, उसी को आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न हमारा है कि भारत की परमाणु नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, यानी जो भारत का न्यूक्लियर पॉलिसी है उस न्यूक्लियर पॉलिसी का आपको क्या करना है, आलोचनात्मक विश्लेषण करना, यानी अच्छाई बुराई को लिखते हुए उसका क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो साथियों ये हमारे टेस्ट पेपर टेस्ट 1 टेस्ट 2 के प्रश्न रहे हैं। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा।